नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने मन्नू भंडारी की सजा कहानी का अध्ययन किया था और उसको पूर्ण किया था। आज हम शेखर जोशी की कहानी है दाजू। शेखर जोशी की कहानी है दाजू। शेखर जोशी की कहानी है दाजू। शेखर जोशी की कहानी को पढ़ने से पूर्व हम इस कहानी के लिए कहानीकार जो है इनका परिचय देखते हैं। शेखर जोशी जो है वो नई कहानी के कहानीकार हैं और नई कहानी के आंदोलन में जिन कहानीकारों का विशेष योगदान है या यूं कहें कि जो ज़्यादा सक्रिय है या सचेत है या सावधान है उनमें से एक कहानीकार है शेखर जोशी। शेखर जोशी समाज की बदलती हुई मानसिकता, समाज की बदलती हुई रूढ़ियाँ, समाज में जो नई परंपराएं, समाज की नई सोच, समाज के मानदंड, फैलती हुई सोच की दिशा को अपनी कहानियों में अभिव्यक्त करते हैं। नई कहानी के आरंभिक दौर में हम अवनय जी तो नए कहानीकार के रूप में जो है ठीक, मैं अभी ना ऑनलाइन हूँ बात हूँ। नई कहानी के आरंभिक दौर में जो कहानीकार विशेष सचेत और सक्रिय दिखाई देते हैं उनमें शेखर जोशी एक महत्वपूर्ण नाम है। उनकी कहानियों में सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की आकांक्षा पूरी तीव्रता के साथ स्पष्ट है। उनकी जो कहानियां हैं सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की आकांक्षा पूरी तीव्रता के साथ स्पष्ट है। उन्होंने कम संख्या में कहानियां लिखी पर उनकी कहानियां बेहद प्रभावशाली बन पड़ी है। शेखर जोशी ने कहानियां कम लिखी लेकिन उनकी कहानियां बड़ी प्रभावशाली बन पड़ी है। यानी पाठक के ऊपर शेखर जोशी की कहानियां अत्यधिक प्रभाव डालती हैं, उनको प्रभावित करती हैं, गहरे तल तक वो जाती हैं। उन्होंने कहानी पत्रिका के माध्यम से अपनी कहानियों को पाठक के समक्ष रखा। शेखर जोशी ने कहानी पत्रिका के माध्यम से अपनी कहानियों को पाठकों के समक्ष रखा। 1958 में उनकी प्रथम कहानी संग्रह कोशिका घटवार प्रकाशित हुआ। 1958 में उनका प्रथम कहानी संग्रह कोसी का घटवार प्रकाशित हुआ। वे अपने समय के अग्रणी कहानीकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। यानी नई कहानी के आंदोलन जो है 1950 के बाद हमारे यहाँ हिंदी कहानी में नई कहानी का आंदोलन प्रारंभ होता है और 1960 के बाद जो है सक्रिय कहानी, सचित्र कहानी, जलवादी कहानी, है कहानी, ये बहुत सारे आंदोलन हमारे हिंदी कहानी में देखने को मिलते हैं। तो नई कहानीकारों के में जो है शेखर जोशी महत्वपूर्ण कहानीकार है। 1958 जो है में इनका का प्रथम जो कहानी संग्रह कोशी का घटवार प्रकाशित हुआ। शेखर जोशी ने 1954 से 1956 के आसपास कहानियां लिखना प्रारंभ किया। शेखर जोशी ने 1954 से 1956 के आसपास कहानियां लिखना प्रारंभ किया। 1958 में प्रकाशित कोशी का घटवार संग्रह ने पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। उसके बाद बदबू कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। कोशी का घटवार के बाद 1958 जब कोशी का घटवार प्रकाशित हुआ उसके बाद में बदबू कहानी का संग्रह प्रकाशित हुआ। कोशी का घटवार तथा बदबू उनकी बेहद चर्चित कहानियां रही हैं।
वे आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। उन्होंने अधिक मात्रा में कहानियां नहीं लिखी, तथापि वे हिंदी के सक्षम कहानीकार हैं। उनकी लगभग सभी कहानियां उनके साथ के लोक संकलन में प्रकाशित हुई है। अपने समय में उनकी कहानियां कहानी नई कहानियां ज्ञानोदय सारिका जैसी अग्रणी पत्रिकाओं में छपी हैं। शेखर जोशी की चर्चा नई कहानी के उन कहानीकारों की तरह नहीं हुई जो योजनाबद्ध तरीके से अपने को प्रक्षिप्त कर रहे थे। अमरकांत और शेखर जोशी ऐसे कहानीकार हैं जो नई कहानी के प्रभाव मंडल से बाहर रहे। उनकी आरंभिक कहानियां सहज और आसान किस्म की लगती हैं, यानी उनकी प्रारंभिक जो कहानियां हैं वो सहज सरल और आसान किस्म की लगती हैं, किंतु शेखर जोशी की कहानियां साधारण नहीं हैं। शेखर जोशी ने पहाड़ी जीवन की कहानियां लिखी हैं। यानी पहाड़ों का जीवन आपको पता है कि बड़ा जो है कष्ट में होता है, और वहाँ जो है खेती भी जो की जाती है वो खेती भी झूम प्रणाली पे की जाती है, यानी थोड़े थोड़े हिस्से में जो है खेती की जाती है, क्योंकि वहाँ समतल नहीं होता। तो पहाड़ी जीवन जीना बड़ा मतलब सहज समतल जो मैदानों में जो जीवन जीते हैं उससे ज़्यादा कठिन जो समय होता है वो पहाड़ी जीवन होता है, क्योंकि वहाँ पानी की भी बड़ी समस्या आती है, पानी चढ़ाने में बड़ी समस्या आती है, वहाँ पानी भी नहीं होता पहाड़ों के ऊपर, तो सर्दी भी जो है वहाँ पे ज़्यादा है, हवा भी वहाँ पे ज़्यादा है, वायु वेग वहाँ ज़्यादा है, तो मतलब हर तरीके से जो है पहाड़ी जीवन समस्याओं को झेलता है या पहाड़ी जीवन में ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। तो पहाड़ी जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना पहाड़ी जीवन की शेखर जोशी ने पहाड़ी जीवन की कहानियां लिखी हैं, जिनमें वे पहाड़ी जीवन की सादगी और गरीबी को रूपायित करते हैं। यानी मैंने आपको बताया कि पहाड़ी जीवन में गरीबी ज़्यादा मिलती है, लेकिन समस्याएं कठिनाइयां भी ज़्यादा हैं, लेकिन पहाड़ी जो लोग हैं वो सादगी पूर्ण सरल हृदय के लोग भी होते हैं। इस बात को शेखर जोशी ने अपनी कहानियों में स्पष्ट किया है। पहाड़ी जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि गरीबी के कारण उनका सारा प्राकृतिक वैभव एक विकृति लगने लगता है। पहाड़ी जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना क्या बता रहे शेखर जोशी, कि जो प्राकृतिक वैभव है वो वैभव भी क्या है, विकृति लगने लगता है उनको। मतलब हम लोग जो मैदानों में रहने वाले हैं वो पहाड़ों पर जाते हैं, और पहाड़ों पर जा करके जो है और हम जो है सैलानी बन करके जाते हैं, पर्यटक बन के जाते हैं और पहाड़ों का आनंद हम लेते हैं, लेकिन वो ही प्राकृतिक वैभव उन लोगों के लिए जो है एक विकृति के रूप में होता है। कथा व्यथा कहानी में बुढ़िया जीवंती के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन की व्यथा को दुःस्वप्न के रूप में प्रस्तुत किया गया है। समर्पण, आखिरी टुकड़ा, मेंटल और सीढ़ियाँ आदि कहानियों में समाज शास्त्री संदर्भों को शेखर जोशी ने पूरी रचनात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है। साथ के लोग और मृत्यु जैसी कहानियों में शेखर जोशी सामाजिक संलग्नता की मूल आवश्यकता पर बल देते हैं। शेखर जोशी की बदबू कहानी प्रतीकात्मकता के साथ अनेक तरह की अनुगुंजों को व्यक्त करती है। मैंने आपको बताया कोशिका घटवार और बदबू जो कहानियां हैं इनकी शेखर जोशी की वो अत्यधिक प्रसिद्ध रही है, पाठकों के मन को नुंछिया या इन्होंने पाठकों का मन अपनी ओर आकर्षित किया है। तो शेखर जोशी की जो ये कहानी है बदबू, ये कहानी प्रतीकात्मकता के साथ अनेक तरह की अनुगुंजों को व्यक्त करती है। इस कहानी का मजदूर तभी तक जिंदा है जब तक वह अपने हाथों से बदबू महसूस कर रहा है। यह बदबू ही उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति का प्रतीक है, इसलिए इसके विषय में डॉक्टर विजय मोहन सिंह का यह कथन सर्वथा सटीक है। यह न केवल मजदूर तथा मालिकों के रिश्तों पर लिखी प्रारंभिक हिंदी कहानी में है, बल्कि इस सिलसिले में गहरी प्रतिरोधात्मकता व्यक्त करने वाली कहानियों में भी है। निश्चय ही कम लिखने के बावजूद शेखर जोशी हिंदी के एक समर्थ कहानीकार हैं। चलो मित्रों, कलम दाजू कहानी का परिचय भी देखते हैं और इसको पढ़ते हुए थैंक यू, धन्यवाद।